आज हम एक नए डिजाइन का बहुत सुंदर सा पायदान बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने दो कलर की पट्टी ली है। ये पायदान फूल और पत्ती के डिजाइन का है, तो इसके लिए हरे रंग का ये जो पट्टी मैंने लिया है इससे पत्ती बनाएंगे और ये जो लाल रंग का है इससे फूल बनाएंगे। तो देखिए, ये मैंने चुन्नी से निकाली है, एक एक इंच की पट्टी है। ये देखिए, चुन्नी से मैंने एक एक इंच की पट्टी निकाल रखी है, देखिए। और इसके लिए मैंने ये 8 नंबर की सिलाई ली है। आपके पास 6, 7, 8, 9 किसी भी नंबर की सिलाई है, आप उससे बना सकते हो। तो देखिए, इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले पत्ती बनाएंगे, तो इस वजह से मैं ये हरे कलर की पट्टी से फंदे डालूंगे। सबसे पहले सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। बहुत ही सुंदर पायदान है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें हमें 2 के जोड़े से फंदे लेना है। इस तरह से पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। ये देखिए, ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है। देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखिए, ये जो फंदे हैं हमने जो लिए हैं, इनको हमें आगे चल के 2 भागों में बांटना होता है। पहले पत्ती बनाएंगे तो पत्ती में तो पूरे फंदों को बनाना होता है। जब फूल बनाएंगे तो ये फंदे आधे आधे हमें करने होते हैं। तो अगर जो आधे आधे फंदे करेंगे तो वो दोनों ही 2 के जोड़े से हों तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ये 18 फंदा है तो ये 2 के जोड़े से नहीं होगा। तो इसको आगे कैसे क्या करना होगा मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह से फंदा डालते हैं। तो पहला फंदा बनाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे टाइट कर लेते हैं। अगर टाइट कर लोगे आप तो खुलेगा नहीं। और पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो देखिए, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये देखिए 16 फंदा बना लिया। अब यहाँ से 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए, आप वीडियो को देखते हुए साथ साथ अगर पायदान को बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी खराब नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताएं। तो इस वजह से आप पूरी वीडियो देखा करो। ये देखिए, कोई भी पायदान है उसको बनाने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पूरी वीडियो देखा करो, उसको देखते हुए साथ साथ अगर बनाओ तो आपका पायदान बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए, फिर यहाँ से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि जब ये पत्ती बनाते हैं तो हमें दोनों ही साइड से फंदे, 2-2 फंदे छोड़ने हैं दोनों ही साइड से, और बीच में कुछ नहीं करना है। बीच में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है और जल्दी भी बन जाता है। अब देखिए, यहाँ पे 2 फंदा और छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये देखिए, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। आपको मेरे पायदान की वीडियो आपको मेरे पायदान की डिज़ाइन कैसे लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। ये देखिए, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे, फिर यहीं से पलट जाएंगे। देखिए, 2, 4, 6 फंदा इधर छूट गया। और देखिए, 6 फंदा इधर भी छूट गया और यहीं से पलट जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड से हमें
दो दो फंदा छोड़ते जाना। अब यहाँ पे छोड़ दिया दो फंदा, एक दो तीन चार, आठ फंदा इधर छूट गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब देखिए एक दो, दो फंदा बना लिया और यहाँ पे ये दो फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए एक दो तीन चार, चार बार दो दो करके इधर फंदा छोड़ दिया, एक दो तीन चार, चार बार इधर छोड़ दिया, आठ फंदा इधर छूट गया, आठ फंदा इधर छूट गया। अब ये दो फंदा बचा हुआ, अगर दोनों ही जो ये नीचे का और ये ऊपर का फंदा है दो दो के जोड़े से होता तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये दो के जोड़े से नहीं बन पा रहा है। अब देखिए दो के जोड़े से आठ फंदा इधर छोड़ दिया और आठ फंदा इधर छोड़ दिया, अब बीच में सिर्फ दो फंदा बचा है। तो देखिए क्या करना है, अब जब दो फंदा बचा हुआ है एक फंदे को ये इसको बना लेंगे, ये देखिए, और एक फंदा ये छोड़ देंगे। देखिए सिर्फ एक फंदे को बनाएंगे, एक फंदा छोड़ देंगे। तो अब इधर देखिए दो चार छः आठ एक नौ, नौ फंदा इधर रह गया और इधर भी देखिए दो चार छः आठ एक नौ, नौ फंदा इधर रह गया, यहीं से पलट जाएंगे। सिर्फ बीच में जब यहाँ पे आते हैं दो फंदा रहता है, अगर बराबर नहीं होता तो इसमें एक फंदा छोड़ना है, एक फंदा आपको बनाना है। ये देखिए अब यहाँ से अब सभी फंदों को बना लेंगे और नीचे इन फंदों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन फंदों को हमें बनाना है। तो देखिए इन फंदों को बना लेते हैं। देखिए ये जो चुन्नी को, चुन्नी या साड़ी कोई भी कपड़ा आप जो फाड़ते हो तो इसको अलग नहीं करते हैं, तो इसका जो किनारा है इसको इस तरह से रोल कर लेते हैं जिससे कि इसके धागे बाहर को नहीं निकले। इस तरह से अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है, तो इसको पट्टी को पीछे कर दिया, ये फंदा उतार लिया। ये देखिए तो अब ये पत्ती बन करके पूरी हो गई है। अब हमें यहाँ पे फूल बनाना है, तो यहाँ से मैं दूसरे कलर पट्टी को लगाऊंगी। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए अब यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे इस पट्टी को। ये देखिए इस पट्टी को ऐसे दबा लेंगे, एक फंदा ऐसे बना लिया, फिर इसका जो ये किनारा है इस पट्टी के बीच में रख करके रोल कर लेंगे। तो इससे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है और बाहर ये नहीं निकलता है, और इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी आती है। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये नौ फंदा हमने बना लिया और यहीं से पलट जाएंगे। जो नौ फंदा हमने ये ऊपर बनाया था और नीचे ये नौ फंदा छोड़ा था, तो ये जो नीचे नौ फंदा छोड़ा था इसको तो ऐसे ही छोड़ देंगे और ये ऊपर के नौ फंदे को हमें बना लेना है। अभी इधर से भी कुछ नहीं करना है, इधर से भी इन फंदों को बना लेना है। अब ये हरे कलर की पट्टी को यहीं पे छोड़ देंगे। ये देखिए, या आप इसको हर बार ऐसे इसको ऐसे सीधा बना सकते हो। ये देखिए इस फंदे को हमने सीधा बना लिया। जो ये फंदा है हमें इसको एक साइड से ही बनाना है, या आप इसको सीधे साइड से बना लो या फिर उल्टे साइड से बना लो। जैसे मैंने सीधे साइड से बना लिया तो अब इधर से उतार लेंगे और इस पट्टी को साथ में लेते जाएंगे। बनाना नहीं है लेकिन इसको साथ में ले जाना है क्योंकि आगे हमें इससे बनाना है। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अभी तक तो जो पत्ती बनाया था उसमें मैंने दो दो फंदे छोड़े थे, लेकिन जब ये फूल बना रहे हैं तो इसमें अब हमें एक एक फंदा छोड़ना है। नीचे से एक फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। अब हमें दो दो नहीं एक एक फंदे छोड़ना है। जब पत्ती बनाया था तो दोनों ही साइड से डिजाइन बनाया था, अब हमें उल्टे साइड से बनाना है, सीधे साइड से नहीं बनाना है। ये देखिए पट्टी को पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बना लिया।
अब ये पहला फंदा उतार लिया, इस पट्टी को साथ में लेते जाना है, 2 3 4 5 6 7 सात फंदा बना लिया, एक फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बनाते जाना है। इस फंदे को इस तरह से सीधा बुन लेंगे। तो देखिए इस ये जो फंदा है इसको एक साइड से बुनते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, देखिए चेन सा बनता जा रहा है इसे। पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6 छह फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। ये मैं छोटा बना करके आपको बता रही हूँ, तो इसको पूरा बना रही हूँ, अगर बड़ा होता है तो पूरा बनाने में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसी तरह से आप 30 40 50 कितने भी फंदे का बना सकते हो, आपको जितना बड़ा बनाना हो। सॉरी, इसको हमें सीधा बनाना होता है, ये देखिए। अगर आप एक बार इसको उल्टा बुनोगे एक बार सीधा, तो ये किनारी जो है वो सही बन करके नहीं आएगी। इधर से उतार लिया, इस पट्टी को हमें साथ में ले जाना है, 2 3 4 5 पांच फंदा बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। पट्टी को पीछे किया और इसको सीधा बना लेंगे, ये देखिए। फिर इस फंदे को उतार लिया, 2 3 4 4 बना लिया, फिर यहीं से पलट जाएंगे। पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। देखिए मैं आपको ये पूरा ही बना करके बता रही हूँ, दो तीन तीन फंदा बना लिया, एक फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए है ना इसको बनाना कितना आसान, देखिए। अब पहला फंदा उतार लिया, ये देखिए दो फंदा बना लिया, एक फंदा यहाँ पे और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अब ये देखिए इस फंदे को उतारा और इसको इस तरह से सीधा बना लिया। अब ये लास्ट में जब दो फंदा रह गया तो अब हम इसको नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके फंदा छोड़ते हैं, तो जो दो फंदा रह जाता है वहाँ तक सब फंदों को छोड़ लेते हैं। देखिए एक एक करके हमने इन फंदों को छोड़ लिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अभी तक तो हमने एक एक करके सभी फंदों को छोड़ा है। अब क्या करना है, देखिए पहला फंदा उतारा, इस पट्टी को ऐसे इसके साथ में ले लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी फंदे हमने छोड़े हैं, अभी एक एक करके ये फंदे छोड़े थे इनको भी बना लिया, और यहाँ पे ये दो दो करके फंदे छोड़े हैं इनको भी हमें बना लेना है। यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को हमें बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। अगर एक साथ आप नहीं बनाओगे तो फंदा बढ़ जाएगा, देखिए सिर्फ एक बार करना है, बाकी और जो दो दो करके छोड़े हैं यहाँ पर गैप नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे था, तो यहाँ पे हमने एक फंदा उठा करके साथ में बना दिया। ये देखिए जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें इससे बना लेना है। ये ध्यान रखना है कि जिससे फूल बनाना है
उसी से ही सभी फंदों को हमें बनाना है। ये देखिए सभी छोड़े हुए फंदों को हमने बना लिया। तो देखिए 18 के 18 फंदे हमारे पास आ गए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 सभी 18 फंदों को हमने इस कलर से बना लिया है। अब देखिए यहाँ से भी ये पहला फंदा उतारेंगे, नहीं तो उसका गोला बड़ा हो जाएगा। अब सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। बहुत ही सुंदर प्यारी से डिजाइन है और बनाना भी बहुत आसान है। सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से इसको बना लोगे। ये देखिए इस फंदे को उतार लिया मैंने, क्योंकि अब यहाँ से ये हरे कलर की पट्टी को हमें लगाना है, तो इसको उतार लिया, इसको हमने बनाया नहीं। देखिए तो ये एक पत्ती और ये एक फूल बन करके तैयार हो गया है। इसको बनाने के बाद फिर जिससे फूल बनाएंगे उसी से सभी फंदों को हमें बना लेना होगा। अब देखिए फिर वापस अब हरे कलर की पट्टी को हमें यहाँ से लगा लेना है। देखिए इस फंदे को हमने उधर साइड से उतारा था तो यहाँ पे इसको बना लेंगे। ये देखिए अब जितने भी फंदे हैं इन सभी को हमें हरे कलर की पट्टी से बना लेना है। मैंने इसमें हरा और लाल दो कलर लिया है, आपके पास जो भी कलर हो आप उससे बना सकते हो। अब देखिए सभी फंदों को मैंने ये हरे कलर से बना लिया है। ये देखिए अब इधर सीधे साइड से भी हमें सभी फंदों को बना लेना है। पहला फंदा उतार लिया। अब यहाँ से दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए अब जैसे ये पत्ती बनाया था दोनों साइड से दो दो फंदा छोड़ते हुए, अब वैसे ही हमें इसको बनाना है। अब मैं आपको ये दूसरी कली शुरू कर कर बता रही हूँ। देखिए अब यहाँ से भी दो फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। मैंने ये दूसरी कली शुरू कर दी है। जैसे ये बनी थी पत्ती वैसे ही हमें इस पत्ती को भी बनाना है। देखिए जब ये पत्ती बन जाएगी तो वापस ये फूल बनाएंगे। फिर यहाँ पे दो फंदा छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से दोनों ही साइड से दो दो फंदा छोड़ लेती हूँ, बीच में दो फंदा रहेगा। फिर आगे आपको एक बार ये फूल भी बना करके बता दूंगे, इतना मैं बना लेती हूँ। देखिए दो दो करके हमने 1, 2, 3, 4, 8 फंदे इधर छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 8 फंदे इधर छोड़ दिए। अब बीच में ये दो फंदा बचा हुआ है बस। तो जैसे हमने उस बार बनाया था, आपको बना करके दिखाया था, वैसे ही हमें बनाना है। तो देखिए अब यहीं से ये पलट जाएंगे, इस फंदे को हमें उतार लेना है। देखिए ये फंदा इधर साइड को हम छोड़ देंगे, 2, 4, 6, 8 है, एक फंदा ये और छोड़ लिया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से ये फंदे जो ऊपर के हैं इन सभी फंदों को हमें बना लेना है। देखिए 1, 2, 3 देखिए ये जो किनारा इसका होता है इसको अच्छे से रोल कर लेते हैं कि ये बाहर को नहीं निकल रहा है इसका जो धागा है। 4, 5, 6, 7, 8 और इस पट्टी को पीछे कर लेंगे और इस फंदे को उतार लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से देखिए अब ये
लाल कलर की पट्टी को हमें लगाना है, क्योंकि ये देखिए पत्ती पूरी हो गई है। अब वापस जैसे ये फूल बनाया था वैसे ही फूल बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए इससे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा बना लेंगे, यहीं से पलट जाएंगे। अभी हमें कोई फंदा छोड़ना नहीं है। अभी देखिए इस हरे वाले कलर की पट्टी से नौ फंदे ये ऊपर के बनाए थे, अब उन्हीं फंदों को हमने ये लाल कलर की पट्टी को लगा करके उससे बना लिए हैं। अभी कुछ करना नहीं है, अभी दोनों साइड से ये हमें सभी नौ फंदों को बना लेना है। अब इस तरह से पट्टी को पीछे किया और इसको इस तरह से सीधा बुन लेंगे। अब ये देखिए इस पट्टी को साथ में लेते आते हैं तो ये देखिए जैसे बुनाई होती है वैसे ये बुनता जाता है, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक लंबा खींच करके अगर लाना होगा, अगर आप और बड़ा ज़्यादा बड़ा बनाओगे तो और ज़्यादा लंबा होगा, तो वो आपका पायदान कहीं पायदान को आप कहीं भी डालते हो तो ये पट्टी आपकी फंस जाएगी। अब इस तरह से इसमें बुनता जाएगा तो बिल्कुल भी बाहर दिखाई नहीं देगी पट्टी, तो इस वजह से इसको साथ में लेते जाना है इस पट्टी को। अब ये देखिए पहला फंदा उतारा, इस पट्टी को ऐसे साथ में लेते जाना है जैसा मैंने पहले बताया था आपको, दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। सीधे साइड से ये जो फूल बनाएंगे इसमें सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, डिजाइन को हमें उल्टे साइड से बनाना है, लेकिन अगर पत्ती बनाएंगे तो उसमें हमें सीधे उल्टे दोनों ही साइड से बनाना है। पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लिया, ये देखिए। तीन चार पाँच छः सात, फिर एक फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से एक एक करके मैं यहाँ तक दो फंदा रह जाएगा, बाकी इन सभी फंदों को छोड़ लेती हूँ। देखिए एक एक करके हमने सभी फंदों को छोड़ लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात फंदे छोड़ लिए, ये दो फंदा रह गया। अब वापस जैसे इसमें बनाया था हमने, जब ये फूल बन जाता है तो ये सभी फंदों को जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं, जो ये पत्ती के फंदे हैं जो ये फूल के फंदे हैं, इन सभी फंदों को हमें अब ये जिससे फूल बनाया है लाल कलर की पट्टी से सभी फंदों को हमें बना लेना है। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया क्योंकि उसको हमने सीधे साइड से बनाया था। ये देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, सभी अठारह के अठारह फंदे हमारे पास आ गए हैं। देखिए तो ये दो दो पत्ती और दो फूल बन गया है। देखिए इसी तरह से ये सभी बनेंगे पूरे गुलाई में। देखिए पहला फंदा उतारा, अभी हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। जब एक फूल और एक पत्ती बन जाएगी तो इस तरह से इससे सभी फंदों को बनाएंगे, तो एक लाइन ये जब एक कली पूरी हो जाएगी पत्ती और फूल की, तो एक लाइन पूरी इस तरह से इसकी बन जाएगी, फिर आगे दूसरी कली इसकी शुरू करेंगे।
तो देखिए अगर आधा आधा बांटते हैं दो भागों में इसको, देखिए इस फंदे को उतार लिया क्योंकि अब ये हरे कलर की पट्टी को लगाऊंगे। अगर इसको आधा आधा बांटते हैं तो ये बराबर दो के जोड़े से नहीं होता है, तो इसको कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीच में दो फंदा बचता है उसको एक फंदा नीचे को छोड़ देंगे, एक फंदा ऊपर को फूल के साथ ले लेते हैं, क्योंकि फूल जब बनाते हैं तो उसमें एक एक करके ही हमें फंदा छोड़ना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह से अब यहाँ पे हरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे और जितने भी फंदे हैं पहले सभी फंदों को इससे बना लेंगे। फिर आगे जब सीधे साइड आएंगे तो वहाँ से फिर डिजाइन बनाना शुरू कर देंगे, दोनों ही साइड से एक एक दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो पत्ती बनाते हैं उसमें हमें नीचे से ऊपर से दोनों ही साइड से दो दो फंदे छोड़ने होते हैं, और जो ये फूल बनाते हैं इसमें ऊपर से कोई फंदा नहीं छोड़ना होता है, यहाँ से एक एक फंदा छोड़ना होता है। तो देखिए इसको बनाना है ना कितना आसान। देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए अब हरे कलर से सभी फंदों को बना लिया, अब इधर से बनाते हुए आएंगे तो यहाँ से दो फंदा छोड़ देंगे, फिर ऐसे ही दोनों ही साइड से हमें दो दो फंदा छोड़ना होगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए पूरा बन करके तैयार हो गया है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कली ये बनी हुई है। उतना ही फूल भी, इसमें जितनी पत्ती बनी है उतना ही फूल भी बना हुआ है। देखिए इसमें 12 फूल भी बना हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फूल भी बना हुआ है। अगर इस तरह से इसका गोला थोड़ा बड़ा है तो अगर इस तरह से अगर मिलाते हो तो आपका पूरा नहीं बनता है, तो आप पहले इसकी सिलाई कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से जितनी चेन है, ये चेन सब बना हुआ है, जितना सब में से इस तरह से सुई को निकालते जाना है। ये देखिए जितनी चेन है सबके बीच से। उसके बाद भी अगर आपका 12 कल्ली में नहीं बनता है तो आप दो और इसमें, तो आप जितना भी बनाना चाहो, 12 में नहीं बनता है तो आप 13, 14 जितना भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से सभी चेन में निकालते हुए अब इसको इस तरह से आप टाइट कर लो थोड़ा सा। ये देखो इस तरह से गोला भी छोटा हो जाएगा और आपका इसका ये गोलाई भी देखिए पूरा ये बन जाएगा। फिर आपका ये ऐसे बिल्कुल मिल जाएगा और ये इस तरह से ये गोला भी बिल्कुल ऐसे छोटा हो जाएगा तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। देखिए और ये भी आपस में इस तरह से मिल जाएगा। आप इसको चाहो तो पहले भी इस तरह से करके अपनी गोलाई नाप सकते हो, नहीं तो फिर उसके बाद इसको इस तरह से नाप करके बना करके बाद में इस गोले को जैसे मैंने बंद करने का बताया ऐसे ही बंद करोगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। गोला देखिए ना इसमें कोई खिंचाव आया है ना कोई झोल आया है, इस तरह से आप ऐसे खींच करके गोले को बंद करोगे तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बंद होता है। अब देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया, अब इसमें फंदा बंद करना है। तो देखिए कैसे बंद करते हैं, देखिए दो का एक करते हैं, दो फंदा एक साथ ले लिया और इसको बना दिया, एक फंदा बचा वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, इसी तरह से दो फंदे का एक फंदा करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेना। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे फंदा डाला है वैसा ही होना चाहिए। अब देखिए जैसे इसके बीच में ये लाइन बन रही है, हमने यहाँ पे नहीं बनाया था, यहाँ पे हमने हरे कलर से बनाना शुरू किया था, तो अब ये बनाएंगे तो इसकी भी ऐसे उल्टे की एक लाइन बन जाएगी। तो इसमें पूरा एक जैसे ही बन जाएगा,
कहीं अलग सा नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से दो का एक करते हुए सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया। अब ये सिलाई करना है तो इसको ऐसे यहाँ से ऐसे मिला करके करेंगे। तो अब ये इसका सीधा साइड है, इसको पलट लेते हैं, उल्टे साइड कर लेंगे। और मैंने ये गोला बंद करने के लिए इसमें ये धागा लगा रखा है, तो इसको ऐसे टाइट करके और फिर अब पहले मैंने यहाँ पे धागा लगा लिया है गोला बंद करने के लिए, आपको बताया। तो अब मैं यहाँ से ऊपर को ले जाऊँगी सिलने के लिए। आप चाहो तो अगर इस गोले में धागा को नहीं लगाओगे तो यहाँ से सिलाई करते हुए फिर जैसे हमने गोला बंद करने का बताया वैसे ही गोला बंद करेंगे। अगर आप ऐसे ही गोला बंद करोगे तो ये गोला ही बंद हो जाएगा और पायदान में कहीं कोई खिंचाव या कोई झोल नहीं आएगा। ये देखिए फिर इसको इस तरह से पक्का कर लेंगे। अगर आपका गोला इस तरह से बड़ा होता है, आप कोई भी पायदान बनाते हो तो इसी तरह से अगर आप इसको सील करके गोले को बंद करोगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि गोला बड़ा है। अब देखिए जो फंदा हमने डाला है और जो ये बंद किया है दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाएंगे। पूरा यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से सिल लेंगे। देखिए फूल और पत्ती के डिजाइन का ये खूबसूरत सा पायदान बनकर के तैयार हो गया है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसका होल भी पता नहीं चल रहा और ये भी नहीं पता चल लग रहा है कि इसमें सिलाई हमने कहाँ लगाई है। देखिए ये लाइन जैसे बनी है सभी लाइन ये बराबर बनी हुई है। देखिए कोई भी लाइन कम या ज़्यादा नहीं है जिससे कि पता चले कि हमने सिलाई यहाँ पर लगाई है। देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और इसको बनाना उतना ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए मैं आपको इसकी लंबाई चौड़ाई भी बता देती हूँ। ये देखिए 18 फंदे का ये 9 इंच का बन करके तैयार हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई 9 इंच है। आप इसी तरह से दो के जोड़े से जितना भी बड़ा बनाना चाहो उतने फंदे आप ले सकते हो। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।